वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 स्नैपशॉट का लेसन है यहाँ पे एड्रेस चैप्टर नंबर 2 है ये, उसका पार्ट 2 जो हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी आधा चैप्टर देख लिया, अब हम यहाँ पे जो है जब ऑथर अपनी मम्मी को याद करती है, जब स्टेशन पे जाती है तब उसको अपनी चीज़ें पुरानी याद आती है, उसकी अभी क्या कंडीशन होगी उसके बारे में वो सोच रही थी, तो उसी से हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, घर की जो सारी चीज़ें हैं उसको हम फिर से नॉर्मल बना सकते हैं, जैसे कि बेड जो है लेकिन कुछ लाइटर हो चुका था, उसके ऊपर हम आराम से सो सकते थे। रूम का भी ऐसा था कि हमें वो उसका हर एंगल से देखने के हम उसके आदि हो चुके थे। मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की कि ये सभी चीज़ें को पाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, और मुझे ऐसा लग ही रहा था कि ये उसी पते पे ही सभी चीज़ें मुझे वापस मिलेगी, और मुझे ये सब याद भी है उसका पता। मैं सभी चीज़ें जो थी उनको छूना चाहती थी, उनको देखना चाहती थी, और मेरी पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहती थी। मिसिस डॉलिंग के घर जो मैं पहली बार जाने का मैंने जब विज़िट ली थी, मतलब कि तब वो होने के बाद, मतलब वो मैंने डन करने के बाद मैंने सोचा कि मैं दूसरी बार वहाँ पे जाऊँगी। इस बार जब वो गई तब एक 15 साल की एक लड़की ने वहाँ पे दरवाज़ा खोला। मैंने उसको पूछा कि क्या तुम्हारे मम्मी घर पे है? नो, वो किसी काम से बाहर गई हुई है। ओके, कोई बात नहीं, मैं उनका यहाँ पे इंतज़ार करूँगी। मैंने उस गर्ल का फॉलो किया, मतलब पीछा किया, और जब मैं वहाँ पे गया तो पुराने ज़माने का एक वहाँ पे जो कैंडल होल्डर जो था, जहाँ पे हम कैंडल जो है उसमें रखते हैं, वो एक शीशे की बाजू में रखा हुआ था और वो वहाँ पे उसको लटकाया गया था। हम उसको कभी इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि वो एक अकेली मोमबत्ती अगर हम जलाते हैं तो उसके कंपेरिजन में वो ज़्यादा ही कुछ हैवी था। क्या आप बैठेगी नहीं, लड़की ने पूछा मुझे, और उसने दरवाज़ा जो था लिविंग रूम का वो उसको पकड़ा हुआ था, और वो दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था तो मैं उसके अंदर चली गई और मैं वहाँ पे रुकी और मैं भयभीत हो गई। मैंने अपने आप को उस रूम में उन चीज़ों के बीच में पाया जिसको मैं ज़रूरी देखना चाहती थी, और ये सभी चीज़ों को मुझे इसे स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में देखकर बहुत ही दुख हो रहा था। ये चीज़ें थी तो मेरी लेकिन किसी और के घर पे देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा था। सब कुछ वहाँ एकदम बेढंग तरीके से रखा हुआ था, और यहाँ पे जो अगली फर्नीचर जो था एक दुर्गंध मारने वाला, जो वहाँ पे स्मेल जो मतलब मग्गा रखा हुआ था वो भी वहाँ पे लटका हुआ था। मुझे नहीं पता लेकिन मैं यहाँ पे हार्डली आसपास की चीज़ों को देखने के लिए नज़र जुटा पाई। गर्ल जो है उसने मेरी तरफ एक चेयर सरकाई, मैं उसके ऊपर बैठ गई और मैं वहाँ पे जो वुलन टेबल क्लॉथ जो उसने रखी हुई थी उसको मैं ताकने लगी। टेबल पे जो वुलन क्लॉथ रखा हुआ था उसको मैंने देखा, वो भी मेरा ही था। मैंने उसको रगड़ा और मेरी फिंगर जो है वो गर्म हो गई, मतलब कि वो सच में वुलन का ही था। दूसरी बात कि मैंने जो उसकी पैटर्न जो थी उसको भी देखा ठीक से, और बाद में मैंने क्या किया कि जो उस पर एक जला हुआ एक निशान जो था जो कभी हम रिपेयर नहीं कर सकते, उसको मैंने ढूंढने की कोशिश की जो वहाँ पे कहीं पे एज पे होना चाहिए। मेरी माँ जल्दी वापस आ जाएगी, उस लड़की ने बोला, और मैंने उनके लिए ऑलरेडी एक चाय बना के रखी हुई है, क्या आप एक कप लेगी चाय? मैंने बोला शुक्रिया। मैंने जो वो चाय बना रही थी वो मैंने वो देखना शुरू किया तो गर्ल्स ने जो है ऑलरेडी कप जो है वहाँ पे टेबल पे सजाया हुआ था, मतलब टेबल पूरा रेडी था, और उसने जो उसकी पीठ जो थी वो चौड़ी थी बिल्कुल उसकी माँ की तरह, और उसने क्या किया कि टी को जो है वो एक वाइट पॉट से निकाला और उसके ऊपर एक गोल्ड बॉर्डर जो थी उसके लिड के ऊपर, अब मुझे याद आ रहा था, और उसने वो बॉक्स ओपन किया और उसमें से थोड़ी चम्मच जो है वो बाहर निकाली। अरे ये बहुत ही अच्छा बॉक्स है, मेरी आवाज़ मुझे ही सुनाई दे रही थी, और ये थोड़ी अलग भी थी, अजीब भी थी, और ये जो मतलब पहले जो मुझे आती थी वैसी आवाज़ यहाँ पे आ रही थी। और फिर वो बोली, लड़की क्या तुम उसके बारे में जानते हो? वो थोड़ी वहाँ पे घूमी और मेरी तरफ एक चाय लेके आई और वो हंसने लगी। मेरी मम्मी बोलती है कि बहुत एंटिक चीज़ है और हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसने इस तरह से मतलब कि सब चीज़ें जो वहाँ पे पड़ी हुई थी उसको दिखाते हुए मुझे बोला, और उसने बोला देखो ये सब यहाँ पे सभी ऐसे बहुत सारे बॉक्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। जैसे ही उसने सब बोला कि आप खुद ही देख लीजिए, पर मुझे वहाँ पे उसके हाथों के फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी,
मैंने ऑलरेडी जो ये चीज़ बताना चाहती थी उसके बारे में मैं जानती ही थी। मैंने सब कुछ ना देखते हुए जस्ट वहाँ पे एक टी टेबल जो था उसके ऊपर जो लाइफ ओवर मतलब कि पड़ा हुआ था एक चीज़ उसको देखा। बचपन में मुझे वो चीज़ें याद आ गई कि जो मैं एप्पल जो है वो कंप्यूटर प्लेट मतलब कि जो कॉपर की जो प्लेट जो थी उसी पे एप्पल खाना पसंद करती थी। अब वो लड़की बोल रही है कि हम ये सभी चीज़ को हम यूज़ करते हैं। एक बार तो हमने जो वो प्लेट लटक रही हुई ना दीवार पे उनके ऊपर भी हमने एक बार खाना खाया था। लड़की और भी चीज़ बताती है कि मुझे तो मेरी खास इच्छा थी कि मैं उसी के ऊपर जो है खाऊं, लेकिन मुझे उसमें कोई स्पेशल बात जो है नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैंने वो जला हुआ निशान जो था टेबल क्लॉथ के ऊपर वो ढूंढ लिया, और जो लड़की जो थी उसने मेरे सामने कोई एक सवाल ना पूछे वो इस तरह से मुझे वो ताक रही थी। हाँ, मैंने कहा, आप उन सभी चीज़ों का तभी टच करते हो जब आपको वो अच्छी चीज़ें लगती है, और तभी उनको देखते हो जब वो चीज़ें वहाँ पे अपनी जगह पे नहीं होती है। क्योंकि अब उस चीज़ों को हमें रिपेयर करना होगा या हमें किसी और को उसको चीज़ों को दे दिया होगा। जैसे कि कोई एक एग्जांपल दूँ तो एक बार फिर से मुझे जो है वो अननेचुरल साउंड सुनाई दिया जो मुझे पहले आता था, और मैं फिर बोलती गई। मुझे याद है कि मेरी मम्मा ने एक बार मुझे पूछा था कि क्या मैं ऐसी सिल्वर से जो है उस पर पॉलिश कर दूँ। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि जो पुरानी यहाँ पे जो सिल्वर की चीज़ें पड़ी हुई थी और उनको मैं पॉलिश कर दूँ ऐसा, और ये बात जो है बहुत ही पुरानी थी और मैं वहाँ पे ये सब कुछ देख के बोर भी हो गई थी। और उन दिनों में मुझे घर पर ही रहना पड़ा था क्योंकि मैं उस टाइम पे बीमार हो गई थी। मेरी मम्मी ने मुझे कभी उसके बारे में पूछा नहीं था। मैंने उसको पूछा था कि ये कौन सी चांदी की चीज़ों के बारे में बता रहे हो आप। फिर उसकी मम्मी ने जो उसको जवाब दिया कि यहाँ पे जो चीज़ों की बात हो रही थी उसमें स्पून फॉक एंड छुरिया ही थी ऑफ कोर्स। उस टाइम पे वो बात मुझे थोड़ी अजीब लगी थी, लेकिन मुझे वो बात पता नहीं थी कि जिस थाली में हम खाना खाते हैं वो सब चीज़ें और स्पून वगैरह वो चांदी की बनी हुई थी। लड़की हंसने लगी और बोली, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ये सब चीज़ें जो तुम देख रहे हो वो भी चांदी की बनी हुई है। तो मैं भी उस चीज़ों को गौर से देखने लगी। क्या ये वही चीज़ है जिससे हम खाना खाते हैं, उसने पूछा। मैंने बोला, हाँ तुम्हें नहीं पता। वो थोड़ा वहाँ पे हिचकिचाने लगी और वहाँ पे एक साइड बोर्ड था मतलब कि कपबोर्ड था वहाँ पे गई उसके आसपास में, और वहाँ पे उसने ड्रॉर खोला। उसने बोला कि मैं देखूँगी, अरे ये तो यहाँ पे ही है। मैं कूद पड़ी, मैं भूल जा रही थी कि मुझे ट्रेन भी पकड़नी थी। वो लड़की का जो हाथ है वो ड्रॉवर पर ही था और वो बोली कि क्या आप मेरी मम्मी का इंतज़ार करना नहीं चाहते हो। नहीं, मुझे जाना ही होगा। मैं दरवाजे की ओर चली। लड़की ने दरवाज़ा जो है खोल दिया जिससे मैं अपना रास्ता जो वहाँ पे ढूंढ सकूँ। जैसे मैं वहाँ के गलियारे में से गुजर रही थी तब मैंने वहाँ पे चम्मच और काटों की वहाँ पे जो आवाज़ आती थी उनको सुना। अब वहाँ पे जो रोड का कॉर्नर जो था वहाँ पे मैंने देखा तो वहाँ पे नंबर प्लेट लगी हुई थी। वहाँ पे लिखा हुआ था मार्कोन स्ट्रीट और उसमें मकान नंबर भी लिखा हुआ था 46। ये जो एड्रेस जो था वो सही था, लेकिन मुझे ये अब याद नहीं रखना था और मैं वापस यहाँ पे नहीं जाना चाहती थी क्योंकि यहाँ पे जो ये जो चीज़ है मतलब ये जो प्लेस है वो मुझे मेरी यादों से जोड़ता था और ये फैमिलियर लाइफ के साथ मुझे फिर से उसमें ताज़ा करवाता था। मेरे ना जाने का यहाँ पे एक ही वजह थी कि ये सभी चीज़ें मुझे मेरी पुराने दिनों की यादें जो थी उसके साथ जोड़ देती थी। जब उन चीज़ों के साथ आपका रिलेशन कट जाने से आप उनको फिर से अपने आसपास देखते हो, और फिर मैं यहाँ पे क्या कर पाती। एक छोटे से मकान में जब ब्लैकआउट पेपर जो है वहाँ पे अभी भी लटक रहे थे उन खिड़कियों के आसपास, और अब उसमें और वो टेबल जो था उसमें सिर्फ ऐसी छुरियाँ जो थी वही उसमें रह सकती है। तो ये सभी जो है मतलब मैंने रिसोल्व तो कर दिया, ये एड्रेस जो था वो सही था, लेकिन अब ये सभी चीज़ों को लेकर मैं क्या करूँगी क्योंकि मेरा जो मकान है वो रेंटेड है, किराए का मकान है, और ये सभी चीज़ें उसमें जो है वो मैच होगी नहीं। इसलिए मैं इसको भूलना चाहती हूँ, यही सबसे अच्छा रहेगा। और ये सभी यादें मेरी माँ से जुड़ी हुई थी इसलिए मैं उसको भूलना चाहती थी। तो स्टूडेंट, ये था आपका लेसन, कैसा लगा? व्हाट्सएप पर आपको दूसरे लेसन के बारे में बता दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।